नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो है हमारी HTML लिस्ट पर। HTML लिस्ट में मैं आपको तीन तरह की लिस्ट बताऊंगा जो मैं आगे जाकर बताऊंगा। शुरू करने से पहले मैं आपको कहूंगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। HTML लिस्ट क्या होती है? HTML लिस्ट इंफॉर्मेशन की लिस्ट को बताने के लिए यूज़ की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। HTML की लिस्ट हैं, उनके अंदर हम और भी लिस्ट लगा सकते हैं। जैसे एक तरह की लिस्ट है उस नंबर वाली, उसके अंदर हम बुलेट वाली लिस्ट लगा सकते हैं। HTML में तीन तरह की लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट या बुलेटेड लिस्ट, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट। हम इन तीनों के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहले आते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट पर। ऑर्डर्ड लिस्ट OL टैग से शुरू होती है। जो भी OL टैग के अंदर आएगा वो ऑर्डर्ड लिस्ट मानी जाएगी। पर अगर हमें उसे ऑर्डर्ड लिस्ट की तरह रिप्रेजेंट करना है तो हम और आइटम्स को दिखाना है कि उसके आगे कुछ बुलेट वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, तो हम LI टैग यूज़ करते हैं। LI टैग में हमारे सारे आइटम आते हैं जो लिस्ट में डल देंगे और यूज़र को दिखेंगे, जो भी व्यूअर है, जो भी विजिटर है उसे दिखेंगे। जो ऑर्डर लिस्ट है उसमें जो भी आइटम होते हैं लिस्ट के, वो डिफ़ॉल्टली नंबर की तरह मार्क किए जाते हैं। जैसे मैंने तीन लिखे हैं तो पहले वो वन डॉट और फिर वो नाम, वो एलिमेंट प्रिंट करेगा, फिर टू डॉट, फिर दूसरे एलिमेंट, थ्री डॉट, फिर दूसरे एलिमेंट, ऐसे वो प्रिंट करेगा। हमारे सामने एक ये एग्जाम्पल OL टैग मैंने डाल रखा है और फिर उसे बंद भी कर रखा है। उसके अंदर मैंने तीन LI टैग लगा रखे हैं जिसमें मैंने तीन आइटम डाल रखे हैं। अब इस आइटम का आउटपुट क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसका आउटपुट होगा ये वाला, ये जो हमारा है वन डॉट अक्षत, टू डॉट अमित, तीन डॉट अमन। यही मैंने यहाँ पर डाले थे, अक्षत अमित अमन। तो ये सीरीज के हिसाब से आ जाएंगे ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अब आते हैं अगली चीज़ पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ CSS और कैसे यूज़ करते हैं। हम CSS से लिस्ट के नंबर, जैसे अभी नंबर में आ रहे थे, हम उसे इन पांच वन में कन्वर्ट कर पाएंगे, रोमन नंबर कैपिटल में जो होता है उसमें कन्वर्ट कर पाएंगे, रोमन नंबर स्मॉल में कर पाएंगे, ए अल्फ़ाबेट या जो भी अल्फ़ाबेट है हम उन्हें कैपिटल में कर पाएंगे और स्मॉल वाले भी। तो चलते हैं VS कोड पर। पर उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम ये कैसे करेंगे। हम एक लगाएंगे टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट से क्या होगा, अगर हम उसके अंदर इन पांचों में से कुछ भी चीज़ डालेंगे तो वो उसी के फॉर्मेट में प्रिंट कर देगा। पहले मैं आता हूँ VS कोड पर और अब आपको समझाता हूँ कि इससे अच्छी तरह होगा क्या। ये हमारी पिछली फाइल है जो हमने पिछली वीडियो में बनाई थी, इसलिए मैं आज बनाऊँगा नई फाइल। इसे नाम रखूँगा मैं akshat4.html। इसे मैं सेव कर दूँगा, इस पर मैं बॉयलर प्लेट लगाऊंगा, एमिट कर दूंगा फिर, और टाइटल रखूंगा मैं HTML लिस्ट। अब इसमें मैं एक H1, H2, H3, H4 इन सारे हेडिंग्स का इस्तेमाल करूंगा और जो भी ये लिस्ट के OL, UL, DL ये जो भी होते हैं और इनके अंदर LI वगैरह जो भी होते हैं वो सारे भी मैं यूज़ करूंगा। तो चलते हैं अब अपने ऑर्डर लिस्ट पर। पहले मैं एक लगाऊंगा H1 जिसमें मैं डालूंगा HTML लिस्ट, मैं लिस्ट लिख देता हूँ। अब मैं एक H2 लगाऊंगा, उसके अंदर मैं डालूंगा ऑर्डर्ड लिस्ट। अब मैं एक H3 लगाऊंगा, उसके अंदर लिखूंगा नंबर्ड लिस्ट। अब मैंने ये लिख दी है तीनों। अब मैं अगर इसे सेव करूंगा, अभी ये रन हो रहा है, एक बार मैंने पहले रन किया था अपने कुछ प्रोग्राम के लिए, अब मैंने वापस रन किया है तो ये ऐसे प्रिंट हो चुका है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, एक ऑर्डर लिस्ट लगाऊंगा OL। OL में मैं तीन LI लगाऊंगा जिसमें हम आइटम डिफाइन करेंगे। अब तीन आइटम में जैसे मैंने लिख दिया अमित, अक्षत, अमन, और यहाँ मैं कर देता हूँ राहुल, चार कर ले देते हैं, चलो चार मैंने कर दिया। तो वो चार ये प्रिंट कर रहा है ऐसे 1 2 3 4, और जैसे हमने लिखे थे अमित, अक्षत, अमन, राहुल, तो वो प्रिंट कर दिया है इसने। ये था हमारा नंबर्ड ऑर्डर लिस्ट जो था डिफ़ॉल्ट ऑर्डर लिस्ट का। अब हम आते हैं CSS के ऊपर थोड़ी
क्योंकि CSS जो है वो हमारी लिस्ट को बड़ी कमाल की बना सकती है। पहले मैं एक H3 लगाऊंगा, उसमें मैं लिखूंगा रोमन कैपिटलाइज लिस्ट, इसका मतलब है जो रोमन नंबर है वो वाला। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ, एक ओएल लगा देता हूँ, उसके अंदर मैं LA1 लगा देता हूँ। पहले आपको सिर्फ एग्जांपल टाइप में लगाता हूँ, पहले ये वाला। ठीक है, अब ये है एक आई, आई की तरह लग रहा होगा पर ये है एक रोमन नंबर कैपिटल में। तो अब पहले मैं इसमें करूँगा, यहाँ लिस्ट में जाकर मैं लिख दूंगा, पहले मैं इसके तीन खाने बना देता हूँ। इसमें मैं तीन चीज़ लिख दूंगा, HTML, CSS और यहाँ लिख दूंगा JS। सेव करूँगा, अब देख सकते हैं ये रोमन नंबर्स में आ चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा रोमन नंबर का। ऐसे ही अगर हम करेंगे सारे टाइप, मैं आपको अभी बताऊँगा। H3 लगाया, अब रोमन नंबर भी लगाना है वैसे मुझे, एक मिनट, एक है ऑल्ट और जहाँ पर भी करेंगे तो स्पेस नंबर। ठीक है, ये हमारा लग गया है। अब मैं इस पर लगाऊंगा एक ओएल, यहाँ करूँगा और LI और तीन कर लूँगा ये भी। अब मैं लगाऊंगा टाइप इक्वल टू और अब मैं स्मॉल वाला। ठीक है, अब मैं इसमें डाल दूंगा तीन कंपनी डाल दूंगा लैपटॉप वाली, तो डेल, लेनोवो और वो एप्पल। ठीक है, मैं इसे सेव करूंगा, तो आप देख सकते हैं ये स्मॉल में आ चुका है, जो भी है ये पूरा यहाँ पर जो भी हमारा लिस्ट है अभी आ चुके हैं स्मॉल में। ऐसे ही होते हैं हमारी ये सारी लिस्ट। अभी मैंने आपको तीन बताया, अभी दो और हैं जो है अल्फ़ाबेट्स के। अल्फ़ाबेट्स बहुत काम की होती हैं तो उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। H3 एक लगा दिया मैंने, मैं लिखूँगा अल्फ़ाबेट या लिख देता हूँ लेटर्स, लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, लेटर्स कैपिटलाइज्ड लिस्ट। अब मैं डाल देता हूँ OL, थोड़ा मैं से नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। LI, तीन LI लगा दिए मैंने। अब मैं इसमें टाइप इक्वल टू ए कैपिटल वाला, हाँ ये रहा। अब मैं इसमें करूँगा क्या, एक मैं लिखूँगा LI में, क्या लिखूँ मैं, क्या लिखूँ, फ्रूट्स के नाम लिख देता हूँ, एप्पल बनाना ऑरेंज, ये मैंगो लिख देता हूँ, मैंगो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये अल्फाबेट्स के हिसाब से आ गए, लेटर्स के हिसाब से आ गया है। तो ऐसे ही अब मैं करूँगा स्मॉल में, पहले यहाँ एक और H3 लगाऊंगा, H3 में मैं लिखूँगा लेटर्स लिस्ट। अब इसमें मैं डाल दूंगा OL, OL के अंदर मैं वही करूँगा वापस, तीन OL लगा दिए, इसके अंदर मैं टाइप और स्मॉल है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मैं इसमें तीन ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नाम लिख दूंगा, जैसे एक है विंडोज़, एक है लिनक्स, एक है मैक। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी नहीं है, लैपटॉप या कंप्यूटर भी नहीं है कोई, तो आप फ़ोन पर भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं उन पर भी, मैं आपके लिए बाद में एक वीडियो बना दूंगा, तो उन पर भी आप ऐसे कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग डिटो सेम आप कर सकते हैं उसमें, और उसे ब्राउज़र पर भी रन कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसा कुछ लैपटॉप वगैरह नहीं है तो। ठीक है, तो मैंने ऐसे कर दिया, लेटर्स लिस्ट सेव किया, और यहाँ देख सकते हैं आप कि ये स्मॉल में प्रिंट हो गया है, जितना मैं चाहता हूँ उतना ही। अगर मैं ऐसे बहुत सारा कर सेव करूँ तो देख सकते हैं जेड ख़त्म होते ही AAAB ACAD ऐसे चलने लग जाएगा वो। अब मैं पहले वो सारे हटा देता हूँ, ठीक है, और अब वही हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑर्डर लिस्ट। मुझे
आशा है कि आप ये समझ आ गए होंगे। नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। तो चलते हैं अपने अनऑर्डर लिस्ट पर। अनऑर्डर्ड एचटीएमएल लिस्ट, जो भी है एचटीएमएल की अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो यूएल से शुरू होती है। जैसे ऑर्डर लिस्ट ओएल से शुरू हो रही थी, ये होगी यूएल से शुरू। तो ये जो भी है ये हमारा यूएल से शुरू हो जाएगा और अनऑर्डर लिस्ट प्रिंट कर देगा। सेम इसके साथ होगा एल आई में, इसमें एक एल आई लगेंगे जैसे आइटम डिफाइन करने के लिए। और जो डिफॉल्ट है जैसे ऑर्डर लिस्ट का आ रहा था नंबर में, इसका आएगा स्मॉल ब्लैक सर्कल्स या बुलेट्स भी कह सकते हैं। तो ये रहा हमारा एक एग्जांपल। तो इसमें हमने एक यूएल लगा रखा है, फिर उसे बंद कर रखा है, फिर हमने तीन एल आई लगा रखे हैं, एक में एचटीएमएल, एक में सीएसएस, एक में जावास्क्रिप्ट। तो फिर इसका आउटपुट अब देखते हैं, ऐसे आएगा एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, और ये जो बुलेट है ये इसकी डिफॉल्ट है। अगर हम ये इसमें सीएसएस लगाकर ये बुलेट की जगह कुछ और करना है तो क्या कर रहे हैं हम, तो हम ये लगाते हैं। हम उसमें लगाते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट जैसे मेन सीएसएस के लिए यूज होता है, जो मैं आपको सीएसएस ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा, इसे इनलाइन सीएसएस भी कहते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट को इनलाइन सीएसएस मतलब कि जो सीएसएस सिर्फ लाइन्स के लिए यूज होती है। अगर हमें पर्टिकुलर किसी छोटी छोटी चीज़ के बारे में बताना है तो हम इनलाइन सीएसएस यूज कर सकते हैं, पर अच्छा यही रहेगा कि हम एक्सटर्नल सीएसएस या इंटरनल सीएसएस यूज करें। और जो ये सीएसएस होती है, हम अब आप सोचोगे हम इनलाइन ऐसे नहीं करेंगे टैग्स में तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आगे के एचटीएमएल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें आप ये सीख सकते हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं उसकी, अगर आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख रहे हैं तो इसे पूरी देखें, एक्सेस करें। और चलिए अब अपने अनऑर्डर लिस्ट पर आते हैं। तो इसमें पांच ऑप्शंस होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट, डिस्क, स्क्वायर, सर्कल और नल। तो डिस्क को आप बुलेट भी कह सकते हैं, तो आप ये चार ऑप्शन लगा सकते हैं। अब आप बोल रहे होगे स्टाइल एट्रीब्यूट में ऐसे तो लगाएंगे कैसे, ऐसे लगा देंगे तो वो शायद एरर भी शो कर सकता है। तो आप बिल्कुल सही हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट में हमें एक और लगाना पड़ेगा, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप। इसका मतलब है जो लिस्ट है उसका टाइप क्या है, उसका टाइप वो बुलेट है, स्क्वायर है, जो भी है, तो हम इससे डिफाइन करते हैं। तो हम ऐसे लगाएंगे, आप एग्जांपल देख सकते हैं, मैं पीपीटी अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा, आप इसे देख सकते हैं, और अपना कोड भी डाल दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं और डाउनलोड कर कर अपने कोड से मैच कर सकते हैं कि आपने सब कुछ सही किया है नहीं। अगर एरर आ रहा है तो आप उसे भी ढूंढ सकते हैं। तो आप यह भी पूछ सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट का मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पर और यहाँ बनाते हैं एक H2 जिसमें लिखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब मैंने जैसे ही लिख दिया है, अब मैं इसमें लगाऊंगा यूएल। जैसे हम उसके लिए ओएल लगा रहे थे ऑर्डर लिस्ट के लिए, हम इसमें लगाएंगे यूएल। इसमें हम एल आई लगाएंगे, कंट्रोल डी, ऐसे मैंने 3 बार कर दी। तो डिफॉल्ट है इसका तो वो आ जाएगा। अब पहले मैं इसमें लगाऊंगा H3। H3 में मैं लगाऊंगा बुलेटेड लिस्ट। अब मैं H4 में लगाऊंगा, बताने के लिए कि ये लिस्ट किस चीज़ के बारे में। अब इसके जैसे यहाँ लेटेड लिस्ट है, ये लगा देता हूँ मैं यहाँ पर भी H4। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। अब मैं यहाँ लगा देता हूँ एक और H4, उसमें मैं लिख देता हूँ फ्रूट्स, मैंने इसे सेव कर दिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ लैपटॉप या थोड़ी कंपनीज ही लिख देता हूँ मैं यहाँ। पहले मैं H4 लगाऊंगा, फिर कंपनीज, यहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, एक H2 लगाऊंगा। H2 में मैं डालूँगा वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेजेस। तो मैंने वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेजेस लगा दिया है। डिज़ाइनिंग मैं अभी ढंग से कर देता हूँ, डिज़ाइन, हाँ अभी डिज़ाइनिंग हो गया है। अब मैं इसमें यहाँ कर देता हूँ एक और, अब मैं H4 लगाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ
नीचे मैंने एक बार गलत कर दिया प्लीज़, तो पहले मैं ऐसे एडिट कर देता हूँ। एक तो पहले मैं फिर से लगाता हूँ टू, एक यहाँ लगाता हूँ फोर, और यहाँ पर भी एच फोर। ठीक है, मैं थोड़ा इजी वे ले रहा था इसलिए दिक्कत हो गई। हाँ, अब मैं आपको पहले ये एक बार यहाँ दिखा देता हूँ कि हमारे ऐसा लग रहा है ये हमारा। अब ये देखिए है, तीन बुलेट्स आ चुकी है। अब पहले हम इसके अंदर कुछ वैल्यू डालेंगे। अब मैं इसमें डाल देता हूँ मोबाइल्स, एंड्रॉयड फ़ोन्स लिख देता हूँ, एंड्रॉयड फ़ोन्स। अब अगर मैंने इसमें लिख दिया रेडमी नोट 8 प्रो, अब मैंने यहाँ लिख दिया जैसे नहीं, हाँ रेडमी नोट 8 प्रो है ये, मैं लिख देता हूँ क्या लिखूँ मैं, वीवो V11 प्रो। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ सैमसंग गैलेक्सी S20। तो मैंने इसे सेव किया, तो देख सकते हैं आप ये बुलेट्स में आ चुका है। तो ये एक और तरीके में काम आती हैं बुलेट्स, मतलब अनऑर्डर लिस्ट की। जो अनऑर्डर लिस्ट होती है वो हमारे जैसे रैंडम आइटम्स में बताने के लिए यूज़ हो सकती है। तो अगर अब मैं आता हूँ अगले पर, अगला है हमारा स्क्वायर, फिर हम करेंगे सर्कल और फिर हम करेंगे नन। तो पहले मैं यहाँ लगा देता हूँ एक H3 में मैं लगा देता हूँ स्क्वायर लिस्ट। उसके बाद मैं UL के नीचे यहाँ, फिर LI, तीन LI हो गए। अब मैं इसके अंदर थोड़ी लगाऊंगा CSS। तो पहले मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया, देख सकते हैं मेरे में तो लिस्ट स्टाइल डैश टाइप आ रहा है, पर आप सिर्फ टाइप लिखें तो, टाइप लिख दिया मैंने, तो पहले नंबर पर जो आएगा वो है हमारा लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप। अब ये मैंने लगाया, अब इसमें सारे ऑप्शन आ गए हम क्या क्या लगाएं क्या क्या नहीं लगा सकते। तो मैंने जैसे स्क्वायर किया सेव किया, अब मैं पहले इसमें क्या करूँगा, पहले मैं एक H4 और डिफाइन करूँगा H4। अब मैं ये रख दूँगा क्या रखूँ, ये रख देता हूँ वेब ब्राउजर्स। ठीक है, तो मैंने ये वेब ब्राउज़र रख दिया। तो बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं जैसे गूगल क्रोम और मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स, एक है वो माइक्रोसॉफ्ट एज, सॉफ्ट एज, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अब मैंने ये यहाँ पर आया मैं, तो आप जैसे देख सकते हैं वेब ब्राउज़र हैं ये, स्क्वायर बुलेट्स डाल रहा है, स्क्वायर डाल रहा है, ऊपर वाले की तरह सर्कल नहीं डाल रहा है, ऐसे डिस्क नहीं डाल रहा। तो ये होते हमारे स्क्वायर वाले। अब आता हूँ मैं अपने इस पर वापस, अब मैं डालता हूँ एक H3, इस पर मैं लिख देता हूँ सर्कल लिस्ट। अब इस सर्कल लिस्ट में मैं डाल देता हूँ एक H4 को हम बाद में फिल करेंगे, पहले UL, फिर मैं डाल दूँगा LI, तीन LI डाल दिए। अब मैं पहले अपना जो भी है स्टाइल वाला वो लगाऊँ, स्टाइल लिस्ट टाइप और सर्कल, ये रहा सर्कल मैंने लगा दिया है। पहले मैं इसमें सोचता हूँ कि अब मुझे यहाँ क्या भरना चाहिए, तो मैं नंबर्स भर देता हूँ, नंबर्स रैंडम नंबर 11, फिर यहाँ 14 और यहाँ 26 मैंने ऐसे भर दिया। अब मैंने अब आप देख सकते हैं कि ये डिस्क की तरह ही लग रहा है, पर इसके अंदर कोई फिल नहीं है, ये हर बैकग्राउंड पर काम करेगा। अगर मैं इसके अंदर कर दूँ स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, और ऐसे मैं कर दूँ चॉकलेट, सेव करूँ, तो आप देख सकते हैं ये जैसे ट्रांसपेरेंट है, इसका वाइट नहीं था, तो ये किसी पर भी काम कर सकता है। अब आप बोल रहे हो मैंने कोड क्या लगाया है,
जिससे बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो यह एक CSS कोड स्टाइल एट्रीब्यूट में अगर हम बैकग्राउंड कलर डालते हैं ऐसा और कोई भी कलर लिखते हैं तो ये आ जाता है। तो मैं आपको और इसके बारे में CSS के में बताऊंगा, पहले कंट्रोल स्लैश कर इसका कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ एक बॉडी टैग वापस लगाता हूँ, पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एक्स्ट्रा सेव कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं पहले जैसा हो गया। अब आखिरी हमारा बच्चा है नन वाला, तो मैं एक H3 लगाऊंगा, नन टाइप। मैंने नन टाइप इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैंने सिर्फ नन लिखा तो आप ये भी समझ सकते हैं गलती से कि मैं ये लिस्ट ही नहीं बना रहा है, ऐसे ही रख दिया मैंने और कोई टाइप नहीं है लिस्ट का, कुछ नहीं है लिस्ट, बस ऐसे ही मैंने लिखा है। तो इसलिए मैंने आपको ज़्यादा क्लियर करने के लिए ये नन टाइप लिखा है, मतलब ये एक टाइप है नन। तो मैं इसका H4 क्या लिखूँ, कलर्स लिख देता हूँ, अरे कलर। इसमें अब मैं डालूँगा एक UL के अंदर मैं LI के पहले मैं इसमें स्टाइल इक्वल टू लिस्ट, नहीं भाग यहाँ से तो भाग गया, मैं लिस्ट पहले टाइप ही लिख लेता हूँ, शायद इसका मूड ऑफ हो गया, अब ऑन हो गया। हाँ तो टाइप लगने से आ जाना चाहिए, हाँ अब टाइप आ गया। इसमें बहुत सारे हैं, पहले मैं अगर आपको ये दिखा दूँ, लोअर फ्री सेव मारू इसे, तो आप देख सकते हैं ऐसे आ चुका है ABY ऐसे ग्रीक के हैं। अगर मैं अभी से कर दूँ नन तो देखिए क्या हो, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, अब कुछ नहीं दिख रहा। अगर अब अभी तो ऐसा था इसलिए वो कुछ और नहीं दिख रहा था, आप ये समझ रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर अब मैं इसमें लिख दूँ कलर्स रेड ऑरेंज येलो, तो ये तीन कलर्स मैंने लिखे, आप देख सकते हैं यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है, अभी ब्लैंक हो गया। तो ये करता है नन, इसके आगे कुछ नहीं लगाता और इसका काम हो गया, बोलता है भाई मेरे सामने कुछ नहीं है तो देख ले। जैसे इसमें बोल रहा था मेरे सामने सर्कल है, मेरे सामने स्क्वायर है, मेरे सामने डिस्क है, अभी बोल रहा है भाई मेरे सामने कुछ नहीं है, ऐसा होता है इसके साथ। मेरे हिसाब से आप ये समझ चुके होंगे ये अनऑर्डर लिस्ट। तो अब मैं आता हूँ डेफिनेशन लिस्ट पर। अगर आप ये नहीं समझे तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आप कुछ नहीं समझे अभी तक तो आप ये वीडियो वापस देख सकते हैं। तो मैं आ जाऊँगा इस पर। हाँ HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी सपोर्ट करता है। कुछ लोग समझते हैं कि HTML बस अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट सपोर्ट करता है, पर यह डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी सपोर्ट करता है। जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसके अंदर टर्म्स आते हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन होती है ईच टर्म की, तो वो आप बाद में समझ जाओगे। जैसे हमने एक चीज़ लिया HTML, अब हमें उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, तो हम वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट की मदद से दे सकते हैं। पहले आप एग्जांपल देख लो, फिर मैं समझाऊंगा, आप और अच्छी तरह समझ जाओगे। तो जो DL है जैसे UL और OL की तरह, ऐसे DL लगता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, DT लगता है टर्म, मतलब जो टर्म होगा इसका अलग ही प्रोसीजर है, तो इसमें टर्म होता है और एक डिस्क्रिप्शन होती है हर टर्म की। जैसे टर्म के लिए यूज़ होता है DT और डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ होता है DD। अब मैंने एग्जांपल बना रखा है, एक DL टैग है उसे मैंने खोला और बंद किया, फिर एक DT टैग है उसमें मैंने HTML लिखा और एक और में मैंने CSS लिखा। अब पहले HTML के नीचे तो मैंने कर दिया DD में हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और CSS के नीचे कर दिया कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स डैश लगा कर दोनों के आगे। तो अब आप देखना कि क्या होगा, ये तो ऐसे प्रिंट कर देगा। एक मान लो आप ये चार स्पेस छोड़ेगा यहाँ पर और यहाँ पर भी, मतलब ये टर्म है एक और ये CSS है, मतलब ये वो ये भी टर्म है और ये उनकी डिस्क्रिप्शन है। ऐसी जैसे अगर हम कर रहे हैं ये विजुअल, अगर मैं क्रोम पर आऊँ अपने, तो अभी हम नंबर्स कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, ये भी तो डिफाइन ही कर रहा है, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट से और आसान हो जाता है। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब हमारी ये PPT ख़त्म हो चुकी है,
तो ख़त्म हो गई है, तो पहले मैं VS Code पर जाकर समझाऊंगा आपको अपनी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो मैं VS Code पर खोल रहा हूँ ये रहा। अब इस पर मैं एक लगा दूंगा H2। इसमें अब मैं लिखूंगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। मैंने ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिख दिया। इसके अंदर अब मैं डाल दूंगा H3। एक H3 के अंदर, वैसे इसमें H3 डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना H4। इसमें सीधा ही DL से शुरू करते हैं, ठीक है। अब आ गया है हमारा DL। DL की फुल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT की फुल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन टर्म, और DD की फुल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिख दिया एक DT, एक DT मैंने डाल दी। मैंने उसमें वही किया HTML, फिर एक मैंने डाल दिया DD, एक मिनट DD। अब DD में मैंने किया डैश हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज, ठीक है। अब मैं लगा दूंगा DT एक। अब DT में मैं डाल दूंगा CSS, ठीक है। CSS में मैंने डाल दिया। अब मैं डालूंगा DT में डाल दूंगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। अब मैं एक और लगा दूंगा DT जिसमें लिख दूंगा मैं JS। मैं DD डालूंगा, DD में मैं लिख दूंगा डैश, और डैश में मैं लिखूंगा फिर JavaScript। मैंने इसे सेव किया। हाँ, अब आप जैसे देख सकते हैं, हम पहले हर टर्म की ऐसे डेफिनेशन दे रहे थे, हम कलर्स डिफाइन कर रहे थे, पर अब क्या हो रहा है, अब हमारे लिए और आसान हो रहा है। ये खुद ही सब कुछ कर रहा है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। तो ये होता है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन लिस्ट का, और ये डेफिनेशन लिस्ट के नाम से भी जानी जाती है। तो हमारा भी ख़त्म हो गया है सारी लिस्ट, पर अभी एक चीज़ और बची है, नेस्टेड लिस्ट। अब आप सोच रहे होगे नेस्टेड लिस्ट क्या है। तो नेस्टेड लिस्ट होती है लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट डाल दी। तो अगर हमें ये नहीं डालना, सिर्फ हमें इसकी जगह ऐसे बुलेट्स डालने हैं, ऐसा कुछ डालना है, तो हम उसके लिए नेस्टेड लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, समझे आप। तो नेस्टेड लिस्ट के लिए हम डालेंगे एक, पहले कोड में जाता हूँ मैं, उसमें मैं पहले H2 डाल देता हूँ, उसमें मैं एक नेस्टेड लिस्ट डाल देता हूँ। अब हम अगर लगाए हैं, पहले मैं आपको OL के साथ UL बताऊँगा, और फिर मैं आपको UL के साथ DL बताऊँगा, और फिर DL के साथ मैं OL बताऊँगा। ये आप देख लेना, आप खुद समझ लेना, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे ये। तो फिर अब मैं ये करूँगा, यहाँ एक पहले लगा दिया OL, OL के लगा दिया एक UL, ठीक है। अब UL के बाहर एक और UL, ठीक है। अब यहाँ पर एक और UL लगा दिया मैंने। अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ, पहले OL में मैंने एक LA डिफाइन की, जिसका नाम मैंने रख दिया, पहले मैं इसमें एक और LA लगा दूँ, मैंने थोड़ा गलत कर दिया। तो LI और /LI, तो ये जो है ये, अरे मिनट, कंट्रोल सी, अब यहाँ ये V, और यहाँ पर भी है, ठीक है। मैं यहाँ इसे टैब, होम इसे टैब, ठीक है, इसे यहाँ, फिर इसे टैब, इसे यहाँ, अब इसे एंटर, इसे टैब और एंटर। तो अब हमारी अच्छी लग रही है। अब मैं पहले इसे LI में, अगर LI को मैं छोड़ देता हूँ अभी, ठीक है, इस वाले को, अगर मैं अब LI में यहाँ लिख दूँ, पहले एक मैंने अगर डाल दिया फ्रूट्स, यह लैंग्वेज ही डाल देता हूँ, रोग रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। अब मैंने ये डाला, तो अब मैं क्या करूँगा, इस UL के अंदर भी और LI लगाऊंगा। एक है पाइथन होती है एक, फिर ठीक है एक और LI लगाया, एक जावा होती है, फिर पहले मैं एक LI लगाऊं, HTML, फिर यहाँ LI, फिर CSS,
LI, SMJS सेव किया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो नेस्टेड लिस्ट है हमारा कैसे हो गया, डेफिनेशन लिस्ट की तरह ही हो गया पर अलग है। पहले हमने जैसे लगा दिया एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हमने एक लिस्ट लगाई कि हम बता रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एग्जांपल दे रहे हैं। किसी बंदे ने बोला भैया मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखनी है कौन सी होती हैं, तो देखता हूँ मैं कोई रैंडम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो वो हमारी लिस्ट पर आया तो वो देखेगा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब अगर हम वैसे करते तो वो समझ ही नहीं पाता कि देखो कैसा ये अजीब सा लग रहा है थोड़ा, इतना सारा एक तो गैप आ रहा है। अब इसमें क्या है, पाइथन, जावा, HTML, CSS, JS। अभी एक मिनट मैं देख लूँ, ये पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है मेरे UL में। मैं इसे स्टाइल कर देता हूँ लिस्ट टाइप और इसे मैं कर देता हूँ स्क्वायर। हाँ अब सही है, एकदम फर्स्ट क्लास। तो ये हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसे हो गया। अब अगर मैं इसे बिल्कुल कॉपी कर कर तीन बार और पेस्ट कर, दो बार और पेस्ट कर दूँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो क्या होगा, तो क्या होगा कि ये तीन बार आ जाएगा। और तीन बार जैसे लोगों को पता चल पाएगी अगर हम अलग अलग चीज़ें, इसे मैं कलर्स कर दूँ और इसमें कलर्स के एग्जांपल दे दूँ, इसे मैं कुछ और कर दूँ और कुछ और के एग्जांपल दे दूँ। तो पहले मैं आपको कर ही दिखा देता हूँ थोड़ा कलर, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, मैं पिंक कर दूंगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर कर दूंगा रेड, यहाँ पर मैं कर दूंगा ऑरेंज, यहाँ पर मैं कर दूंगा ग्रीन, यहाँ पर मैं कर दूंगा ब्लू। सेव किया तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कलर आ गए। पहले मैं इसका स्टाइल अप कर दूँ, मैं स्क्वायर की जगह मैं कर दूँ, स्क्वायर की जगह मैं अगर ऐसे डिस्क कर दूँ तो ये डिस्क कैसे आ रहे हैं, अब पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है इसमें मेरे। सर्कल देखता हूँ, मेरे सर्कल और डिस्क इसमें एक जैसे आ रहे हैं, तो कोई नहीं आने दो, मेरी क्या दिक्कत हो रही है। अब अगर मैंने ये कर दिया, क्या करूँ मैं इसे, मैंने कर दिया ये ब्राउज़र, ये मैंने कर दिया क्रोम, ये याहू, ये सर्च इंजन कर देता हूँ, सर्च इंजन क्रोम की जगह गूगल, याहू, ऐसे अलग अलग होते हैं और मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहे, तो ये आ चुका, देखो गूगल याहू। तो ये था हमारा ऑर्डर लिस्ट विद अन ऑर्डर लिस्ट, मैं डाल देता हूँ एक एच थी फिर भी, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अन ऑर्डर्ड लिस्ट। अब मैं आपको एक और बताऊंगा H3। तो ये जो है ये हम ऐसे कर सकते हैं, और फिर अगर अब मैं लगाना चाहूँ कि मैं अगर ये कर दूँ इसे, अगर मैं इसके अंदर लगा दूँ क्या बोलते हैं एक H3, उसके अंदर H3 के अंदर अब मैं डालूँगा ordered list with नहीं and description list, ठीक है, ordered list with description list। पहले लगाऊँगा एक DL, आगे DL, इसके अंदर लगाऊंगा मैं एक DT, DT के अंदर अगर मैं नहीं, ये आप छोड़ दो, या आपके लिए ये टफ हो जाएगा, तो आप ये समझकर खुद ही एक्सप्लोर करो। गूगल पर जाकर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप उन पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारी हज़ारों वेबसाइट हैं, जैसे एक जावा टी पॉइंट, ठीक है, इसमें आप जाकर देख लेना, W3 स्कूल है। तो अगर मैं इसमें करूँगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो अभी तो ये ऐसे ही है, अगर मैं इसमें जाकर करूँ नेस्टेड लिस्ट जैसी है या डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये नेस्टेड लिस्ट,
यह तो मैंने आपको बता ही दिया है, और तरह की आप खुद नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं, अपने दिमाग को यूज कर खुद की नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं कि आपने ये खुद की लिस्ट बनाई है, और कहीं अपनी वेबसाइट बनाकर उस पर भी डाल सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं। आज की हमारी वीडियो यही ख़त्म हो रही है। ख़त्म करने से पहले मैं बोलूँगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कैसी थी, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरी वेबसाइट पर जाकर ज़रूर देखें, ये सोर्स कोड वगैरह डाउनलोड करें, और धन्यवाद।